Hello student, today we see the numerical based on the Routes criteria. Okay, so this is the numerical system with characteristic equation and determine the stability of the system. So we start the solution. Then we see in solution, first we write the characteristic equation that is given, and from characteristic equation we write the coefficients or Routes array, that is A0, the coefficient of s raised to 5, it is 1, a1, that is coefficient of s raised to 4, that is 1, a2, s cube ka coefficient, that is 2, then a3, s square ka coefficient 2, a4, that is s ka coefficient is 3, and a5, that is 15. Okay, this coefficient will be right in your Routes criteria format or Routes array format. Then we already know that the Routes array will be starting from highest order. So start from s raised to 5, because highest order is s raised to 5, then s raised to 4, then s raised to 3. After that, we enter these values a0, a1, a2, a3, a4, a5 in Routes criteria format. We find out the b1 and b2. So first we find out the b1. The formula for b1, it is this multiply 2 minus this multiply 2 divided by 1. Okay, so 0 divided by 1, that is b1 is equals to our 0. So b1 is 0. Then what is the formula for b2? The b2 is equals to this multiplied means 3 minus this multiplied means 15 divided by again 1. Okay, so what is the value? It is minus 12. So b2 it is minus 12. Okay, after that we see the first column of element is 0. Yahan pe first column kya hai? 0. Then next row element becomes infinite, means iske baad mein jo value aegi wo kya aegi? Infinite. Here replace this 0 with the small positive value, means yahan pe jo 0 hai isko hum replace karenge small positive value se, that is epsilon se. ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट क्या है, जो जीरो है उसको हम लोग क्या किससे रिप्लेस करेंगे? एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे. सो जीरो के जगह अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्सिलॉन लिखा है, और ये माइनस ट्वेल्व वैसे ही लिखा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है. सो जीरो कंसिडर करना है आपको. ओके, आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2. सो C1 और C2 के लिए आपको क्या करना है, देखो C1 का क्या बनेगा, अभी C1 का क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज दिस मल्टीप्लाइड मीन्स ट्वाइस सी प्लस, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, 12, माइनस माइनस प्लस होगा, डिवाइडेड बाय ई. सो ये आपका आएगा C1, दिस वन. ओके, अभी C2 का फॉर्मूला क्या है, दिस मल्टीप्लाइड मीन्स 15 माइनस दिस मल्टीप्लाई मीन्स 0 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, फिर से एप्सिलॉन ये आएगा. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, 15 ई, ये मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, 15 ई. सो ई कैंसिल होगा, सो C2 का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज दिस इज अवर C2, दैट इज 15. ओके, इन दिस वे वी फाइंड आउट द C1 एंड C2. आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, दैट इज D1 एंड D2. अभी D1 एंड D2 को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, D1 का फॉर्मूला रहेगा दिस मल्टीप्लाई, सो देखो यहाँ पे ये टर्म है, माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन, सो 15 ही. ओके, और डिवाइडेड बाय दिस, सो दिस इज अवर D1. ओके, D2 का क्या फॉर्मूला बनेगा, दिस मल्टीप्लाइड मीन्स 0 रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 कंसिडर करना है, और दिस मल्टीप्लाइड बाय. ओके, सो 0 डिवाइडेड बाय दिस नंबर. ओके, सो वैल्यू क्या आएगी, 0. ओके, सो D2 क्या आ रहा है आपका, अपना 0 आएगा D2 भी. इन दिस वे वी फाइंड आउट द D1 एंड D2. आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है, E1 निकालना है. सो E1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 का फॉर्मूला दिस मल्टीप्लाइड बाय, सो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, देखो इसको 15 को ये पूरे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, बाद में माइनस ऑफ दिस,
ओके सो यहाँ पे तो ये ज़ीरो आ जाएगा. ओके सो ई1 का जो क्या है आपका टर्म है वो क्या आएगा, दैट इज़ 15. क्यों? बिकॉज क्या आ रहा है आपका, दिस मल्टीप्लाइड मीन्स ये वाली पूरी टर्म रहेगी 15 इंटू दिस टर्म. इसको हम कंसिडर कर लेते ए. ओके 15 इंटू ए माइनस ऑफ दिस, ये तो ज़ीरो आ रहा है, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, ये मीन्स दैट इज़ आवर ए. सो ए कैंसल होगा, सो ई1 की वैल्यू क्या आ रही, 15. ओके सो इन दिस वे ई1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अभी ये जो ई है उसको लिमिट प्रोवाइड करना है, बिकॉज आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, ये पूरी वैल्यूज़, और आपको स्टेबिलिटी निकालनी है. सो फर्स्ट कॉलम जो है आपका, अगर साइन चेंज आ गया तो वो सिस्टम अनस्टेबल रहती है, और सेम साइन चेंज रहेगी तो वो सिस्टम स्टेबल रहेगी. ओके सो फर्स्टली वी फाइंड आउट दिस वैल्यूज, देन सो हाउ टू फाइंड आउट, देन सी ऑलरेडी वी फाइंड आउट. आफ्टर दैट वी सी वी अप्लाई द लिमिट. ओके आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ई की टर्म है मीन्स यहाँ पे ई की टर्म है, सो इसको आप लोग को लिमिट अप्लाई करना है, इसको भी आपको लिमिट अप्लाई करना है. सो नाउ अप्लाई द लिमिट ई टेंस टू जीरो टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एस स्क्वायर. सो सबसे पहले हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे. सो लिमिट अप्लाई कर दिया, सो लिमिट अप्लाई करा ई टेंस टू जीरो, सो जहाँ जहाँ पे ई है वहाँ पे हम पुट करेंगे जीरो. सो देखो यहाँ पे जहाँ पे ई है वहाँ पे जीरो पुट कर दिया, तो क्या बचेगा, 12/0. सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इट इज़ इन्फिनिटी. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे भी क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे नेक्स्ट इसको. सो सी अभी यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दिया. सो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करने के बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे देखो ऐसे, दैट इज़ 2c + 12/e. ओके ये -12 रहेगा और इसके नीचे भी 2c + 12/e रहेगा, ये वाला. ओके ये वाली टर्म दोनों को मैंने डिवीजन में ले लिया, दोनों को मैंने डिवीजन में ले लिया. इधर क्या बचेगा, 15e / 2c + 12, और ये नीचे ई रहेगा तो इसको मैंने ऊपर भेज दिया, दैट इज़ ई. सो ये वाली जो टर्म है आपकी, इसमें अगर ई के जगह जीरो पुट कर दिया तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी. सो क्या बचेगा, सिर्फ -12. सो मैंने ये -12 लिख लिया इधर, माइनस ऑफ. ओके अभी यहाँ पे ये वाली टर्म उन्होंने डायरेक्ट लिख ली है, दिख रहा है. ओके सो उसके बाद में क्या करेंगे, अभी इसमें फिर से ई टेंस टू जीरो पुट करेंगे. सो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या रहेगा, -12 0/12. सो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 12. सिर्फ ई बचेगा, ये क्या होगा, जीरो होगा. ओके उसके बाद में जो जो वैल्यू आई है आपकी वो पुट करनी है. सो एस स्क्वायर का कितना आया, इन्फिनिटी आया. यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन, जीरो की जगह एप्सिलॉन लिया था मैंने. सो यहाँ पे फिर से जीरो लिख लिया. यहाँ पे क्या आया, -12 ये वाली वैल्यू, ठीक है. सो अभी ऑब्जर्व करो, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है. सो एज देयर आर टू साइन चेंजेस, प्लस इन्फिनिटी -12 एंड अगेन +15, द सिस्टम इज अनस्टेबल. ओके साइन चेंज हो गया तो इट इज़ अनस्टेबल. इन दिस वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके थैंक यू.